भी किस तरह से बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इस तरफ हम जाएंगे तो इधर भी देखिए कुछ जो वार्ड मेंबर लोग हैं उनके बैनर पोस्टर है, और इसी तरह से ये रोड पे पूरा आपको इसी तरह से बैनर पोस्टर दिखेगा। चुनाव का माहौल है अंकल, इधर क्या कहेंगे आप, किसका रुझान है? अरे आपका भाई और जवाब है भैया, इधर आपका भाई का। अच्छा, लेकिन उनके साथ में जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा, तो इन लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला। हमारे पास यादी है, यादी में से डायरेक्ट नाम उड़ाने की। तो मैंने जो फॉर्म भरा हूँ मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं भरा हूँ। पिछले मेंबर थे हमारे, तो उन्होंने 25 सालों के अंदर वो सब काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। किसको वोट ज्यादा गिरेगा? सरपंच के वोट गिरने का तो अभी कोई बता नहीं सकता। देखिए, जहाँ तक रुझान हमारे अल्ताफ भाई का है, और पब्लिक जो चाहती है बदलाव चाहती है। पब्लिक का मानना ये है कि भाई हम लोगों को नए चेहरे चाहिए। यहाँ के जो पहले के 20 साल से जो जीत रहे वही जीतेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सरपंच के इसमें तो माहौल हमारा है और सिर्फ मोमिन का इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहा था। दगल पड़े की औरतें रोते हुए उसके पास आके खड़ा करी। अब आपको भी हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे असिस्टेंट नर्सिंग यानी GDA, GNM, ANM, MLT, DMLT, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट जैसे 50 से ज्यादा कोर्सेज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर चालू है और आने वाली 5 तारीख को मतदान होने हैं, जिसको देखते हुए हम फिलहाल पहुंच चुके हैं खाड़ीपाड़ खूनी ग्राम पंचायत में। मेरे पीछे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं भिवंडी शहर है, और हम जब इस तरफ आएंगे तो ये खाड़ीपाड़ का जूना पुल है, और इस तरफ हम आएंगे तो ये पूरा खाड़ीपाड़ खूनी ग्राम पंचायत का इलाका लगता है। हम यहाँ पर कुछ सर्वे के लिए निकले हैं और लोगों से पूछताछ करने के लिए निकले हैं कि किसका रुझान है और आने वाले इलेक्शन में कौन ज़्यादा मतदान पाएगा। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे खूनी ग्राम पंचायत में टोटल 6 वार्ड है, 6 वार्ड के मेंबर्स इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद सरपंच जो है कोई एक चुना जाएगा। सरपंच की रेस में हालांकि कई लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, और जो रह चुके वो भी खड़े हैं और जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हैं। इस रोड पर हम जब जाएंगे यहाँ से एकता चौक तक, तो हमने देखा कि कई जगह पर थोड़ी दूर दूर पर हर प्रत्याशी की जो है यहाँ पर ऑफिसेस है और बैनर पोस्टर है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इसी रोड पर हम यहाँ से सीधा चलेंगे और एकता चौक तक जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल और किसका रुझान है। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम आपका? इरफान। इरफान, इरफान भाई, क्या रुझान क्या है इधर, किस तरह का माहौल है? आप तो घूम के देख रहे होंगे। अभी हम शुरुआत की है। अच्छा, शुरुआत की है। आप जाओगे आगे मार्केट में आपको पता चल जाएगा वार्ड मेंबर में कौन आ रहा है, और उसके बाद ये सरपंच के इलेक्शन में रोड क्रॉस करेंगे तो वार्ड चेंज है यहाँ पे, तो म्यूनसिपालिटी तो है नहीं, ग्राम पंचायत है यहाँ पर। ये वार्ड नंबर कितना लगता है? ये 6 लगता है। 6 लगता है। यहाँ पे कौन कौन है ऐसा आपके धाकड़ कोई उम्मीदवार है आपकी नज़र में? यहाँ के जो पहले के 20 साल से जो जीत रहे वही जीतेंगे। अच्छा, अभी नए नए भी खड़े हैं, लोगों को लोग भी चाह रहे हैं नए लोग को सपोर्ट करें। अच्छा अच्छा, पुराने जो कुछ नहीं किए अभी नए को देखेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जावेद। जावेद भाई क्या कहेंगे आप, क्या? भाई मैं भी इधर नया ही हूँ। अच्छा, आप नए हो? हाँ, मिलने आया हूँ। मिलने आया। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? शकील। शकील भाई, क्या रुझान है? रुझान तो अच्छा है। हाँ, रुझान तो बहुत माशाल्लाह अच्छा है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम TM भाई है, नदीम भाई है, और शानूर खाला है, और इस्माइल के अहलिया। अच्छा, ये पूरा 4 का पैनल पैनल बन गया। तो आने वाले 5 तारीख को ये आएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है, पानी का मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं ऐसे।
आप फाइल लेके बैठे क्या क्या कर रहे हैं आप? वो हम लोग सब रीत नहीं कर रहे वोट की, सब वोट किधर किधर था, वोट बैठ गए ना, काम चालू है माशाल्लाह, वो जोरों में चालू है। क्या कहेंगे किसका रुझान है? रुझान तो वही अपने टीएम भाई है और हमारा पैनल है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखने को आते हैं कि सरपंच को लोग बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और जो वार्ड मेंबर है उसको इतना कैसे? सरपंच थोड़ा काबिलियत लगता है काम करने के, वो हिसाब से हम टीएम को ध्यान दे रहे हैं। वो आदमी में वो काबिलियत है जो करेगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? हर चीज़ के मुद्दे हैं भाई, गांव के विकास के मुद्दे हैं, वही चीज़ के लिए हम वही चीज़ ध्यान देंगे, हमें भाई का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि अपोजिशन जो है आपके, जिस तरह से उन्होंने बताया कि खुनी ग्राम पंचायत में जो सरकारी स्कीमें आती है वो जनता तक नहीं पहुँचती, तो उसके ऊपर से आपके कैंडिडेट ने कुछ किया? हाँ, बस कर रहे हैं वो, जद्दोजहद में लगे हैं वो, और जीतने के बाद इंशाल्लाह वो चीज़ को एकदम अमल में लाएंगे। क्या कहेंगे भाई आप? इंशाल्लाह जो कलीम भाई बोले वो सही बात है, और अब सरपंच का बोल रहे तो सरपंच का इसलिए बोल रहे कि सरपंच में वो क्वालिटी है। अच्छा, हमको मेंबर हर जाए, हमको हमारा गम नहीं, पर हमको सरपंच को लाना है, इसलिए सरपंच में क्वालिटी है, सरपंच हर तरीके से अच्छा है। तो कौन सरपंच है, नाम बताइए? टीएम साहब तौसीफ मोमिन। अच्छा, हमको हमारा भी गम नहीं है, हमको टीएम साहब को लाना है तो लाना है इंशाल्लाह, वही तौसीफ टीएम को लाना है। बैठिए ना, लोग बता रहे हैं आप कैंडिडेट हो, पहले सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है और कौन से वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हो। मेरा पूरा नाम नदीम नसरुल्ला खान है, मैं सर्वसाधारण जेंट्स के अंदर हूँ, 6 नंबर वार्ड के अंदर, और मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ। अच्छा, मैंने पहली बार फॉर्म भरा है, और जैसे इस वार्ड के अंदर जो मेम्बर है वो 25 सालों से जीतते आ रहे हैं, तो मैंने जो फॉर्म भरा मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं भरा, इस वार्ड के अंदर जितने लोग आए तो जैसे उनके राय मशवरे थे कि भाई पिछले मेंबर थे हमारे, तो उन्होंने 25 सालों के अंदर वो सब काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। अच्छा। जो निधि आती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो निधियों का पैसा आता है, जैसे जो कुछ चुनिंदा काम है खाड़ी पार के अंदर, जैसे कोई पब्लिक ये नहीं बोलती है कोई मेम्बर सरपंच को जिताने के बाद क्या भाई हमारे घर का राशन भरो या तुम हमारा कुछ ले दे के चला, उनके जो पता है 1 रुपया खर्च होता है, 10 पैसा खर्चा, 10 पैसा भी नहीं होता है, कई एक रोड का पैसा 2 बार पास होता है और रोड बनता ही नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो गटर है। जो ऐसी आज आपको ऐसी उम्मीद है कि अगर मेरा पैनल आता है तो ये सब काम 100% होएगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर मेरा पूरा पैनल आता है, जैसे कि तौसीफ टीएम सरपंच के अंदर और मैं और मेरे साथ में और 2 लेडीज़ है जो मेम्बर के अंदर, तो हमारा पूरा यूनिट जो है खाली 6 नंबर वार्ड नहीं पूरे 6 वार्ड के अंदर काम करें खुद खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के अंदर, और इंशाल्लाह ऐसा काम करेगा कि जो 25 सालों के अंदर नहीं हुआ है। अच्छा, शिक्षा को लेकर कुछ आप लोग एक्टिविटीज़ है, यानी जैसे आपने बताया कि आपके सरपंच टीएम बन जो कैंडिडेट है उन्होंने, और यानी क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तक शिक्षा के ऊपर से किसी ने बात नहीं की। शिक्षा का मामला ऐसा है कि जैसे खाड़ी पार जो है थोड़ा सलम एरिया है, लोगों के अंदर एजुकेशन कम है, जैसे जो एजुकेटेड जो कम लोग हैं इसलिए लोग शिक्षा के ऊपर जो है आपको जैसा बोलने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उनको पूरी मालूमात ही नहीं उसके ऊपर। अभी जब जिला परिषद स्कूल है तो कुछ सालों के अंदर उसको नया कंस्ट्रक्शन काम हुआ, मगर उसका इस तरीके से काम हुआ है कि वो बिल्डिंग कभी भी डेमोलिश हो जाएगी, गिर जाएगी, कई सैकड़ों हजारों बच्चों की जान को धोखा है, मगर यहाँ की ग्राम पंचायत ने उसके ऊपर एक्शन नहीं ली। जब ग्राम पंचायत सरकारी कार्यालय उनका काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले, जब ग्राम पंचायत एक्शन नहीं लेंगी तो जो एरिया सलम है जहाँ एजुकेशन कम है तो वो लोगों को मालूमात नहीं है, वो कैसे एक्शन लेंगे, और आम आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। जब सरकारी कार्यालय जिसके पास पावर है काम रोकने का, भाई अगर कोई गलत काम हो रहा है जब वो नहीं रोक सकता है तो एक आम आदमी कैसे रोकेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पैनल आए, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो गलत तरीके से की गई है अवैध, और जो नहीं है वो हम उसको सही से करें और लोगों का विश्वास हासिल करें, ऐसा कि अगले 5 साल में हम लोगों को कन्विंसिंग करने की नौबत ना आए, लोग हमारे घर पे आके बोले कि भाई तुम फॉर्म भरो और तुम कैंडिडेट बन। अपनी निशानी बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, और 5 तारीख को जो वोट होने वाले उसमें जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि देखो तुम जो है वोट को जो है नोटों से मत तोलो, ढाबे से मत तोलो, तुम जो अपने 5 साल का हक जो है बेच रहे हो लोगों को, तो मेरा बोलना ये है कि भाई तुम बेचो मत, किसी के बहकावे में मत आओ, तुम अपनी बुद्धि से, तुम अपने दिमाग से, तुम अपने अंदर एहसास से ये देखो कि काम करने की काबिलियत किसके अंदर है। तुम रिश्तेदारी नातेदारी गांव वाला मुलुक वाला ये सब छोड़ के तुम जो लोगों को कैंडिडेट चुन के जो भेजते हो ग्राम पंचायत के अंदर मेंबर और सरपंच के शक्ल के अंदर, तो वो काम करने के लिए, तो तुम्हारे काम अंदर जाके कर सके ऐसे आदमी के जिसके अंदर काबिलियत है,
मैं पर्सनली ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे को वोट दो, तुम उन लोगों को वोट दो जिसके अंदर काम करने की काबिलियत हो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर काम करने की काबिलियत हो तो यकीनन मुझे वोट दो, मैं ये बोलूँगा। तो हमारे जो हमारा जो चार का पैनल है और हमारे जो सरपंच है तौसीफ मोमिन उर्फ TM, मैं नदीम नसरुल्ला खान और मेरे इसमें दो सर्वसाधारण एक है शानूर भी करके सईद लखन की अम्मा और दूसरा अपने रसूल खान साहब की जो है बहू इस्माइल खान की अहलिया। तो हम पैनल को पूरा वोट दो, 6 नंबर वार्ड से भारी भरकम बहुमत से जीता। बताए नहीं आप, हमारी निशानी है तौसीफ TM की निशानी है CT, मेरी निशानी है कैरम बोर्ड और शानूर खाला की निशानी है इस्तरी और अपने रसूल खान साहब की जो बहू है इस्माइल खान की अहलिया उनकी है फुग्गा गुब्बारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक 5 तारीख के लिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल है इस खाड़ी पार इलाके में पुनी ग्राम पंचायत में? अल्हम्दुलिल्लाह सरपंच के इसमें तो माहौल हमारा है तौसीफ मोमिन का, अच्छा बहुत अच्छा माहौल है। आप जिधर भी जाओगे 4 नंबर 3 नंबर तुलसी नगर दगलपाला यहाँ तक के खूनी गांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ही माहौल दिखेगा, क्योंकि लड़का ऐसा है कि इसको सज्जन पसंद कर दे, छोटा बड़ा औरत बच्चे ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहा था। दगलपाली की औरतें रोते हुए इसके पास आके खड़ा करी, क्योंकि वहाँ का 5 साल पंचायत समिति रहा, अच्छा उनकी हर तकलीफ में हर चीज़ में उनका साथ दिया। अभी कुछ वजह से वो इलेक्शन में जरा थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा था, तो औरतों ने आगे इसको रिक्वेस्ट करे और रोए कि बेटा तू ही हमारा मसीहा, तू खड़े रहे। और भाई का दम मैं खाली बोल नहीं रहा, इसका वीडियो है और वीडियो हम लोग ने चलाई भी है, रखे खड़ी बाने वो वीडियो देखा कि औरतों ने इसको मिठाई खिलाए और हार पहनाए। यानी आपका कहने का मतलब है इलाकों वालों ने इनको इसको खुद पसंद करे, अच्छा हाँ ये चॉइस है पूरे खड़ी पार की। हाँ बाज लोग खड़े हैं, इलेक्शन है कोई भी खड़े रहता है, कोई मसला नहीं है। ये तौसीफ मोमिन जो है ये खाड़ी पार का एक सबसे बड़ा मसला है पानी का, वो हल कर सकते हैं क्या? पानी का मसला तो मैं जैसे बताया ना कि MLA भी हमारे यहाँ पर बहुत साल रह चुके हैं, हमेशा पानी के मुद्दे पे वोट लेकर गए। MPO ने भी पानी के मुद्दे पे वोट लेकर गए, गरीब जनता परेशान जनता को परेशान करके मुद्दा बता के जीत के तो आते हैं, आज तक उनसे सॉल्व नहीं हुआ। एक छोटा सा गाँव है खाड़ी खूनी ग्राम पंचायत, तो वो सरपंच ही नहीं होगा। हाँ वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगा, जाती पैसे भी लगा के ये कोशिश करेगा कि कम से कम नहीं पूरी तकलीफ दूर करूं तो थोड़ी तो करूं। जैसे उसके लिए एक मिसाल, पानी नहीं आता है ना तो वो टैंकरों को अपने पैसे से भेजता है, पर्सनल पैसे से। हाँ अभी रमज़ान महीने के अंदर जो चांद रात के दिन पानी आता था, एक पूरी खाड़ी पार की जनता को मालूम है, जैसे दिवालियों में ही और होली में रात में पानी आता कि भाई कल त्यौहार है तो आज पानी एक्स्ट्रा छोड़ा जाए, तो ये चांद रात के दिन वो एक्स्ट्रा पानी भी नहीं छोड़ा गया। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, ये चीज़ तो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी यहाँ पे सरपंच हो चाहे वो वार्ड मेंबर हो वो लोग टैंकर देते हैं। अब खाड़ी पार वालों का मुद्दा ऐसा है कि जनता के ऐसे मांगने की जो मेन पानी का मसला है वो हल होना चाहिए। होएगा ना इंशाल्लाह, होएगा जो योजना चल रही है उसके थ्रू भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो हो जाएगा। और ऐसा झूठ बोल के आश्वासन देके कोई काम करने का कोई मतलब है नहीं, अभी बोल देंगे लाएंगे झूठ बात है, जो भी होगा इंशाल्लाह वो होने वाला है और काम भी चालू है उसके ऊपर, इंशाल्लाह खाड़ी पार में पानी तो जरूर आएगा। बेटा किसका सपोर्ट कर रहे हो तुम? TM फुल फॉर्म तौसीफ। आपकी वही जीतेंगे? ठीक इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा चल रहा है पूरे खाड़ी पार में, कहीं कोई लग रहा नहीं है, इंशाल्लाह TM वन साइड जीत के आएगा। सर्वे कर रहे हैं, अभी आगे भी जाएंगे। आप सर्वे करेंगे आपको पता चलेगा हर जगह सिर्फ इसका ही चर्चा है। अच्छा सर्वे के बाद जब वीडियो बन जाएगी भाई वो पब्लिक चॉइस है, पब्लिक ही ने इसको रोक के, मैं आपको जैसे बताया ना कि औरतों ने रोक इसको खड़ा किया तैयार किया। हाँ इसका खुद का एक बिजनेस है और अपने बिजनेस में लगा है, वो थोड़ा सा इलेक्शन से थोड़ा सा दूर हो रहा था पर औरतों ने रोध होकर इसको तैयार किया और औरतों की भावनाओं को देखा कि भाई इनको अच्छे नेता की जरूरत है और खाड़ी पार में पूरा खाड़ी पार जनता अच्छे नेता है ही नहीं। ग्राम पंचायत का उसका कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा बिजनेस दिया है, कारोबार दिया है और कोई दाग बिजनेस के हिसाब से वो पॉलिटिक्स में नहीं। नहीं 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 नहीं, इसका कुछ ग्राम पंचायत से कुछ ऐसा घर चलाना या बहुत से लोगों का ग्राम पंचायत से सब कुछ चलता है, बहुत से लोग बिजनेस बना लिए, इसका अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा माशाल्लाह धंधा दिया है, सब कुछ उसका बहुत अच्छे से चल रहा है। ग्राम पंचायत वो एक उसका एक सेवा करने का जो एक हुआ है उसकी वजह से ही वो पॉलिटिक्स करता है, बाकी उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। निशानी क्या दी है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह देखो सिटी है, सिटी और हर जगह बज रही है, हर जगह बज रही है। ये सिटी ने लोगों के अंदर इतनी सिटी बजा दी क्योंकि उनके हार की गूंज सुनाई देने लगी। आप उसकी गंदी हरकत करके देखिए, बेदाग लड़का है, कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि इसने ऐसा किया वैसा किया, उसके धंधे गलत है ये गलत है वो कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरा व्हाइट लड़का एकदम व्हाइट। थैंक यू शुक्रिया। चलते हैं हम आगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सद्दाम अब्दुल सैयद। सद्दाम भाई, इलेक्शन का दौर है इधर, क्या है माहौल, क्या है इधर? इधर माहौल तो सिर्फ मोहम्मद अली है और ओनली वन मोहम्मद अली है। अच्छा। लोगों के दिलों में मोहम्मद अली ही बैठा है। अच्छा। और हमारा सरपंच मोहम्मद अली ही रहेगा। अच्छा। तो अभी फिलहाल जो है एक चर्चा उठी थी कि उनका फॉर्म के बारे में, उसके बारे में जरा बताइए। उनके फॉर्म के बारे में जो कुछ भी हुआ है हमने वीडियो अपलोड कर दिया खाड़ी पार, अब बदलेगा खाड़ी पार ग्रुप में, लेकिन उनके साथ में जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा। उसके लिए मोहम्मद अली भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन मेरा कहना है पूरे गांव की जनता से, जब भाई मोहम्मद अली भाई जब अच्छा चल रहा था, जब अच्छा हो रहा था, तो इन लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला, तो यादी में से डायरेक्ट नाम, हमारे पास यादी है, यादी में से डायरेक्ट नाम उड़ाने की पूरा ये की कोशिश की गई है। हम लोग को वहाँ पे जो दिन फॉर्म भरना था, हम लोग को चार दिन दौड़ाया गया, चार दिन के बाद जो 20 तारीख थी, 20 तारीख वाले दिन बोला गया, वहाँ पे जो इलेक्शन इंचार्ज था उसने बोला कि तुम्हारा ऑनलाइन नाम नहीं बता रहा है, तुम जाओ तहसील में। तहसील में आए तो तहसीलदार बोलता है तुम 7 साल से यहाँ पे रहते नहीं, तुम्हारा यादी में नाम है, सब ओके। तो उसने पंचनामे के लिए 7 साल की बोले 7 साल से तुम रहते नहीं हो, जो तहसीलदार ऑफिसर है बोला 7 साल से यहाँ पे रहते नहीं हो, पंचनामे के लिए यहाँ पे भेजा। पंचनामे में यहाँ पे आए लोग, वो आधे रास्ते में रुक गए, उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आपके जो कैंडिडेट है पहली बार इलेक्शन लड़ रहे? हमारे जो कैंडिडेट है पहली बार इलेक्शन लड़ रहे। तो क्या उनके मुद्दे क्या रहेंगे? उनके मुद्दे सब गांव के मुद्दे रहेंगे, जो गांव में विकास के मुद्दे है, गांव में जो पानी है, हेल्थ के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, साफ सफाई के बारे में है, सब हमारे मुद्दे यही रहेंगे। हमारा और खुद दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है खाड़ी पार का, एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि पानी का मसला, उसके ऊपर से कुछ। पानी का मसला ऐसा है कि जल जीवन मिशन को तो हमारी टीम ने यहाँ पे लेके आई है, पूरा खाड़ी पार जानता है, क्रेडिट नहीं देना चाहता वो बात अलग है। तो जल जीवन मिशन का तो आ गया है, लेकिन वो काम भी अपनी जो ग्राम पंचायत की बॉडी है और बाद में जो प्रशासक वगैरह, ये लोग का बहुत ही ढीला काम चल रहा था। ये काम पिछले साल 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, अक्टूबर 2022 में वहाँ से जल जीवन मिशन वालों ने लेटर भी भेजा इनको कि बाबा आप लोगों की तरफ से ज़मीन का पुरोठा और बाकी का NOC जो टैपिंग वगैरह के लिए लगता है वो सब हमको पूरा के दो, मगर इन लोगों ने डिले किया। तो ये पूरा एक साल हो गया है, अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाया, तो वो काम तो चालू होगा, लेकिन वो काम को 18 महीने लगेंगे। अच्छा। एज़ पर प्रोजेक्ट 18 महीने लगेंगे उसको ख़त्म करने, तो 18 महीने तक का जो पानी का जो लाइन लेवल है उसको भी हम लोग इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से कर देंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी सरपंच के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्होंने किसी ने अपने मैनुफैक्ट उसमें नहीं लिखा है कि हम यहाँ पर पानी का मसला हल करेंगे। और दूसरी बात नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, बस यही सवाल था मेरा कि मैनिफेस्टो में हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो में टोटल हम 20 काम का वादा कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो सबके हाथ में मिल जाएगा बहुत जल्द। एक वीडियो 20 काम क्या है आपके? 20 काम पूरे मैनिफेस्टो में, पूरे 20 मुझे तरतीब से याद नहीं है। एक वीडियो हमारा कल बन गया है और वो आज इंशाल्लाह रात तक का अपलोड हो जाएगा, उसमें तो आ ही जाएगा। प्लस हम लोग, जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान ऐसा है कि जनता यहाँ पे बहुत सी, देखो अभी जनता को कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन सी जनता की बात कर रहे हो। एक कैसे होता है कि जो माजी सरपंच, माजी सीट होल्डर और पंचायत समिति वाले जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिला परिषद लड़ चुके हैं, तो इनके अपने फिक्स वोट भी है ना, उनके घर वाले रिश्तेदार बराबर, तो वो फिक्स वोट लेके चल रहे हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है फर्स्ट टाइम है, तो हम तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मतलब हमने काफ़ी अच्छा पिकअप किया है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि नहीं, जो फैक्ट है, हाँ जो फैक्ट है, मैं वो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। और अभी जो अलहमदिल्ला माहौल बना है तो अपना अच्छा पिकअप है, लेकिन हमारे बहुत सारे वोट जो है वो लिफाफे में बंद है। अच्छा। क्योंकि जो पब्लिक है वो खुल के सामने नहीं आना चाहती, उनको डर है बाकी कैंडिडेट से या किसी और का पता नहीं, उनको डर है भाई, उनका ऐसा है कि भाई हम सामने नहीं आ सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बैकग्राउंड में सब बोलते हैं। अब असली फैसला जो है वो तो 5 तारीख को जो बटन दबेगा उससे ही पता चलेगा। अच्छा, आपके कैंडिडेट भी ढाबा खिलाकर झंडा पकड़ा रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे पिछले 2.5-3 साल से जो काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार हटाने के काम कर रहे हैं, अब हम लोग ही पैसा देंगे, हम लोग ही ढाबे पे ले जाएंगे, तो उनमें और हमारे में, दूसरे नेता लोग में और हमारे में क्या फर्क? हमारा जो है वो नेता नहीं है, हमारे जो है हम लोग लीडर तैयार किए। अच्छा। हमारा लीडर है, तो हम किसी को कोई 1 रुपया नहीं देने वाले,
और हम किसी से कोई पैसा मांगने वाले नहीं है और हम कोई खर्च नहीं करने वाले, कोई ढाबा नहीं कुछ। हमारा तो स्लोगन ही है, पैसा ढाबा धोखा है और गांव बचा लो मौका है। तो वार्ड मेंबर में आपके साथ कौन पैनल में है, ऐसा कुछ बनाया आपने वैसा पैनल? नहीं नहीं, वार्ड मेंबर्स के किसी पैनल में हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वार्ड मेंबर जो है वो फ्री है, वो जिसको देना चाहे वोट, वो जिसको चलाना चाहे, हम लोग ने उसमें भी नहीं। कैसा होता है, नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी होती है के जो सरपंच के इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग पैनल वालों को मैनेज करते हैं, समझिए किसी भी तरह से उनका जो भी होगा तो वो मैनेज करते हैं, हमारा सरपंच चलाओ, हमारा सरपंच चलाओ, समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ में हम लोग नहीं पड़े, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, उसमें पैसा लगता है और वो पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा। और हम लोग को पैसा मतलब बैकग्राउंड में बहुत काफ़ी लोग मतलब टोटल मिला के ये है कि आप अपने काम के बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम काम के बेस पे, अगर मैं जनता को यही बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि गांव से भ्रष्टाचार निकल जाए, अगर आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जितनी सारी सुविधाएं हैं वो मिले, अगर आप चाहते हैं जितना फंड खाखोनी ग्राम पंचायत में आता है वो पूरा आपके ऊपर खर्च हो पब्लिक को, अगर आप चाहते हैं जो पब्लिक ग्राम सभा में बोले वही आरा खड़ा में और वही काम हो, तो आप हमको वोट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। सलाम रहमतुल्लाह जी, हम लोग लाइव इन भिवंडी न्यूज़ चैनल से है, जरा एक वार्ड सर्वे के लिए निकले हैं और हम देख रहे हैं फिलहाल कि यहाँ पर एक बैट की ऑफिस है जी। क्या माहौल क्या है यहाँ पे खाड़ी पर? माहौल तो ऐसा है भाई कि अभी फिलहाल में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपने कैंडिडेट है। अच्छा। और सभी लोग जो है दोनों को भी पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक रुझान हमारे अल्ताफ भाई का है। अच्छा। अल्ताफ बाली साहब का। तो अल्ताफ भाई कितने साल से यहाँ पे सरपंच रह चुके? एक्चुअल में कुछ मामला आने की वजह से उनकी बॉडी डिसॉल्व हो गई थी, अभी वापस से जो है उन्होंने जर्नल से भरा है और इंशाल्लाह उन्हीं का ही अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा। अल्ताफ बाली साहब। और वार्ड मेंबर का क्या क्या मसला है? वार्ड मेंबर के अंदर तो ऐसा है कि भाई अब कुछ बोल नहीं सकता, और पब्लिक जो चाहती है बदलाव चाहती है पब्लिक। अच्छा। और पब्लिक का मानना ये है कि भाई हम लोगों को नए चेहरे चाहिए, क्योंकि कई कई सालों से 25-25 सालों से लोगों ने जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर सदस्य रखने के बावजूद भी गांव के अंदर ऐसा कोई काम हुआ नहीं। खाड़ी पार में एक सबसे बड़ा मसला हमने ये देखा है पानी का, वो पानी का मसला कोई कैंडिडेट अभी तक या सरपंच ऐसे खड़े होकर बोला है कि मैं हल करके दूंगा? भाई पानी का असल मुद्दा कैसा है कि उसके ऊपर जो ठग बाकी है, वो ठग बाकी का मामला ऐसा है कि जब तक प्रशासन जो है वो अमाउंट माफ़ नहीं करती या तुम पेड नहीं करते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा। मेन मुद्दा असल ये है, और मेरी एक सोच ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ खाड़ी पार रसूलाबाद के अंदर, कुछ लोग कि जो सिर्फ पानी के ऊपर ही सियासत करते हैं। अच्छा। बाकी एक मूलभूत सुविधा है ना, इसके लिए तो जनता काफ़ी नाराज़ भी है कि इतने दिनों से खाड़ी पार में पानी नहीं, जो कि हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे ठीक बाजू में ही है। सही बात है आपकी, लेकिन मामला ऐसा है कि भाई अगर आदमी ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो इलेक्शन का फिर कोई अच्छा, मामला ही नहीं रहेगा ना भाई। ये इलेक्शन का मुद्दा बन गया पानी, जो कि मैंने मेरे घर से भी एक कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। उसके बारे में बता दीजिए। उसके बारे में ऐसा है कि मैंने तो खुला कहा कि अगर आपको लगता है पिछले 25 साल के अंदर अगर विकास हुआ है तो आप उनको चुन के लाइए, मैं तो पब्लिक के ऊपर है भाई, पब्लिक का जो रुझान चलेगा और पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसको कामयाब करेगी। भाई साहब आप लोग का क्या कहना है? ठीक है। नहीं आप यानी किसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है बताइए जरा। नहीं ठहरे, हम लोग दो कैंडिडेट है, दोनों भी हमारे मोहल्ले के दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की अच्छी पोजीशन है। अब बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। सरपंच की वार्ड में? सरपंच में। आपका क्या कहना है? ये जो बोल रहे हैं मेरे को ठीक लग रहा है, उनकी बात से सहमत? बिल्कुल सहमत हुआ। जो बड़े भाई बोले बराबर बरोबर सही है सब, हमारे चाहे जो आप पी रहे ऑफिस की पी रहे कि अपने हमारे पर्सनल मीटिंग, इलेक्शन का टाइम है अभी फिलहाल, हम देख रहे हैं कि कई लोग जो ढाबे भी जा रहे रात में, ये हमारा एक पर्सनल मीटिंग थी तो ये हम लोग अपने आपस के घरेलू मामला की वजह से बैठे हैं, उस वजह से जो है थोड़ा चाय पे बात कर रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है, तो घरेलू मामला की वजह से हो रही। चुनाव का माहौल एकदम चुनाव का है, लेकिन अभी कुछ अपने भी पर्सनल मामला होते हैं तो उस हिसाब से बैठे थे, बाकी चुनाव तो चल ही रहे, चुनाव के लिए काफ़ी जो चल रहा है लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहेगा तो बेहतर ही होएगा। ठीक ठीक, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए भाई साहब। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना। कहाँ रहते आप? इसी वार्ड का। इसी वार्ड का। क्या रुझान क्या है यहाँ पे इलेक्शन? रुझान तो बहुत अच्छा है, चल रहा है अभी कुछ
शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक से और बहुत ही अमन से चल रहा है इलेक्शन। आने वाले 5 तारीख को मतदान है, तो उस दिन क्या लगता है आपको कि सरपंच के किसको वोट ज़्यादा गिरेगा? सरपंच के वोट गिरने का तो अभी कोई बता नहीं सकता, सभी लोग अपने अपने तरफ से फाइट कर रहे हैं। रेस में कौन है? रेस में तीनों है। तीनों है, नाम बताइए। अल्ताफ अली है, डीएम है और मोहम्मद अली। अच्छा, तीनों की रेस है, तीनों में कोई भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस अल्ताफ के है। अच्छा। अब सेकंड नंबर पे कम ज़्यादा होकर कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे सर्वे में मैंने कई लोगों से ये सवाल किया कि पानी के मुद्दे को लेकर, जो खाड़ी पार का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, उसको लेकर किसी सरपंच ने कोई ऐसा चुनाव घोषणा की है कि हाँ मैं पानी का मसला हल कर दूंगा? पानी का मसला तो मेरे हिसाब से अभी किसी भी सरपंच के अंदर ही ताकत नहीं कि वो हल कर पाए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसमें कॉपरेट नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी लंबा बिल है, बहुत 6 करोड़ रुपये ठग बाकी है कोनी ग्राम पंचायत पे। उस हिसाब से लोग सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं करेगी मुश्किल है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका से जो जुड़ा हुआ इलाका है ये, उसके बावजूद हम मूलभूत सुविधा के लिए जूझ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ये सुविधा इसीलिए जूझ रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ग्राम पंचायत में करप्शन भी था, और कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, इनकी आपसी मिलीभगत है। अब लोग नए लोगों को चुनना चाहते हैं, देखते हैं कौन आता है। लोग तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये स्कीम ला देंगे, हम वो स्कीम ला देंगे, तो उससे क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। ग्राम पंचायत के जो फंड होते हैं, मामूली छोटी मोटी जो फंड आते हैं, उसी भी ग्राम पंचायत कर सकती है। बाकी तो कहने के लिए लोग वादे कुछ भी कर ले, होता नहीं ऐसा। हालांकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ सरपंच की रेस है इधर, वार्ड मेंबर को कोई उतना महत्व दे नहीं रहा, ऐसा क्यों? नहीं तो इसके पहले ऐसा था कि वार्ड मेंबर जो चुनकर आते थे वो सरपंच सिलेक्ट करते थे, अब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पब्लिक चुनेगी सरपंच को। इसके लिए सरपंच का क्रेज ज़्यादा है, और एक बार जब पब्लिक सरपंच को चुन लेगी तो उसके बाद वार्ड मेंबर का कोई इसमें रोल ही नहीं है, 5 साल तक वार्ड मेंबर। अच्छा, एक शख्स अगर मतदान करने जाएगा तो कितनी बार उसको वोट देना, यानी कितनी बटन दबाना पड़ेगा? उसको 4 वोट देने हैं, एक वार्ड का जो वोटर जाएगा वोट डालने के लिए, उसको 3 वोट को अपने वार्ड मेंबर के लिए देना है और 1 सरपंच के लिए देना है। अच्छा, तो इसमें भी पैनलबाजी चल रही क्या? हाँ, पैनल है, सबने अपने अपने पैनल बनाए हैं, लेडीज हैं। 3 का तो पैनल है, वो मैंने सुना था। अभी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जैसे 3 मेंबर है, वो अपने सरपंच के साथ भी पैनल बना रहे क्या ऐसा? हाँ, सरपंच के साथ भी पैनल बनता है, और लोगों ने अपना पर्सनल पैनल भी बनाया है, और इसमें सीट है ना, OBC है, जर्नल है और जेंट्स जर्नल है, तो उस हिसाब से डिवाइड हुआ है ना सब पैनल, और किसी कोई कोई वार्ड में 2 ही सीट है, 1 लेडीज़ 1 जेंट्स ऐसा भी है। अच्छा। तो उस हिसाब से पैनल सब अलग अलग है, सरपंच लोगों का कॉपरेट अलग है, पैनल बनाए है, लेकिन कॉमन 4 वोट डालना है 1 वोटर को। यानी अब तक जितना दिन गया है सब शांतिपूर्वक से गया, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कुछ उधर उधर होएगी कि नॉर्मल ऐसा इलेक्शन बीत जाएगा? इलेक्शन का नाम ही है उथल पुथल है, बिना उथल पुथल के इलेक्शन हो ही नहीं सकता। अफवाहें चलेंगी इधर उधर, नरम गरम सब चलते रहता है, इसी को तो नाम पॉलिटिक्स है। सब लोग लगे हुए देखते हैं 5 तारीख के बाद किसकी किस्मत खुलती है और कौन यहाँ का राजा। आप कहाँ रहते हो? मैं दरगाह रोड। दरगाह रोड, आप यानी महानगर पालिका से आए? थैंक यू। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि किनारा होटल से लेके हमने शुरुआत की थी वार्ड सर्वे की, और वार्ड सर्वे के हम थोड़ा ऐसी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे माहौल क्या है। खूनी ग्राम पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, जिसको देखकर यहाँ पर पूरे इलाके में जो है खाली बैनर पोस्टर और खाली इलेक्शन नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे दिखाई दे रहे। हम इस वक्त मौजूद है खाड़ी पार के एकता चौक पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरा बैनर होर्डिंग लगाई गई है, और ये जो है सिर्फ ग्राम पंचायत सरपंच के जो दावेदार हैं, ये वो है प्रत्याशी है। देख सकते हैं आप किस तरह से बड़े बड़े 3 बैनर आप जो देख रहे हैं, ये कैंडिडेट जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं सरपंच के इलेक्शन में। और यहाँ पे कई लोगों के मुंह पे हमने इन्हीं के नाम देखे, एक था तौसीफ मोमिन, ये उर्फ TM, उसके बाद अल्ताफ बाली जो यहाँ पर पहले वो सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद मोहम्मद अली जो फ्रेश अभी फिलहाल जो इलेक्शन में खड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली 5 तारीख को लोग जो है किसकी तरफ ज़्यादा रुझान होते हैं और किसको अपना प्रत्याशी चुन के लाते हैं और कहाँ अपना बटन दबाते हैं, क्योंकि एक शख्स जो है जब इलेक्शन में वोट देने के लिए जाएगा खूनी ग्राम पंचायत का, तो उसे 4 बटन दबाने होंगे, 3 जो है वार्ड मेंबर के होंगे और 1 जो है सरपंच का होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन 3 में से कौन चेहरे होते हैं जो आने वाली 5 तारीख को मतदान में ज़्यादा वोटों से जीत कराते हैं।
इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।